हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हाय, इट्स मी पूरन मंगर। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं पूरन मंगर आपके साथ में। आज का दिन शनिवार, तारीख 20 नवंबर। आपके साथ मैं हूँ एक ऐसे स्थान पे जहाँ गुरुबथान की ऊंचाई को छूते है आसमान। तो दोस्तों नमस्कार, जब फ्री पनी है तो बोला आज शनिवार को दिन 20 नवंबर म आज गुरुबथान के एउटा यस्तो जगहमा छु जो कि सायद तपाईहरु आउनु भएको छ। गुरुबथान बजार देखि 5 किलोमिटर अलिकति माथि जुन गुरुबथानको नामले जानिएको छ त्यस ठाउँमा म अहिले तपाईँहरूको सामु बात गरिरहेको छु। गुरुबथान टार एउटा गुरुबथानको इतिहासमा अलग्गै नाम भएको एउटा स्थान हो रहेछ। त आज प्रदर्शन ब्लकको ब्यानरमा मलमी होमस्टे प्रेजेन्स डेराफल। त आज हामी सिधा जाँदैछौँ डेराफल, जुन चाहिँ गुरुबथान टारदेखि अलिकति माथि छ। त हामी सिधा जानेछौँ, तपाईँहरूसँग किप वाचिङ, किप लाइक। स्पेसियली गोरुबथानवासीको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई हामी गोरुबथानको पक्षमा स्वागत जनाउँछौँ। र विशेष गरिकन यो जुन सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम एरेन्ज गर्नुभएका हाम्रा मलमली होमका होमदेन भाइ र प्रदर्शन भागका भाइलाई, प्रदर्शनलाई र आजको युट्युबरमा साथ दिनुहुने हाम्रा आशिष भाइ र पुरन भाइलाई, सम्पूर्ण तपाईँहरूको टिमलाई हामी स्वागत जनाउँदै आजको तपाईँहरूको यात्रा सफल होस् भनिकन कामना राख्दछु। धन्यवाद। हाँ दर्शक बिंद हमी भन्न चाहूँ हई अब भर्खर अब सुरू होना लगी आज का डेराफल को जो ट्रैकिंग द डे इज लिटिल सनी इट्स अर्ली मॉर्निंग इट्स अलमोस्ट 9 o'clock इन द वॉच ना इट्स अलमोस्ट टाइम फॉर द मूव फॉरवर्ड्स टू द डेराफल वी आर प्रेजेंटली राइट नाउ इन द गुरुबथान टार इट्स टाइम टू मूव ऑन दिस इज द फर्स्ट व्हीकल मूविंग सो गाइस स्वागत है। फिर भी अभी चलेंगे हम डेराफल की तरह। सुबह का मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम है, चमचमाता धूप और साथ में काफ़ी भीड़ आज डेराफल की ओर हम यहाँ से पैदल यात्रा चलेंगे। यहाँ तक हम आए स्कूटर बाइक और कार में, यहाँ से हम आगे चलेंगे पैदल। तो देखना, देखिए पूरे गुरुबथान के आसपास के इलाके सिलीगुड़ी, मालबजार और नगरकट्टा से आए हुए पूरे ट्रैकर्स आज हमारे साथ। सो प्लीज देखते रहिए। बाटो छ है, एकदमै भिरालो बाटो छ है। यो स्थानमा यो गुरुबथान टार जुन चाहिँ स्थान छ त्यहाँनिर केवल वाटरफल मात्र नभएर एउटा एडभेन्चरस लाइफ पनि यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ मेरो छेउमा है। अति नै बिस्तारी सम्हालेर हेर्नु जरुरी छ। यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ मेरो स्क्रिनमा देयर आर लट्स अफ ट्र्याकर्स है, धेरै मात्रामा यहाँ ट्र्याकर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू निरन्तर रूपमा आउनुहुँदैछ। यो बाटो हामी उकालो चढ्दैछौँ, अलिकति क्लिफी छ है, पछि हाम्रो टोलीहरू साथमा छ। सो विल बी किपिङ वाच भूमि। अहिले भएको हामी आइपुगिसकेको छौँ डेराफलको छेउमा आइपुगिसकेको छौँ है। अहिले यहाँनिर एकदमै मनोरम दृश्य छ। यहाँबाट जुन चाहिँ हाम्रो जति पनि ट्र्याकर्सहरू हुन्छ, जति पनि ट्र्याकिङ टिम हुनुहुन्छ, उहाँहरू समस्त यहाँनिर आएर एकछिन हावा खाँदैछ। अति नै मिठो दृश्य छ यहाँनिर, जग्गा छ। तपाईँहरू त सबैलाई देखाउन चाहन्छु, जुन चाहिँ पछाडि भाग देखिरहेको छ, यहाँबाट एकदम डाँडाको छेउमा छौँ हामीहरू है। यहाँबाट जुन चाहिँ दृश्य देखिरहनु भएको छ तपाईँ एकदमै रमाइलो छ। अहिले घडीको समयमा सायदै 11 बजिसकेको छ अनि यहाँको जुन चाहिँ एउटा वातावरण छ एकदमै चिसो चिसो हावा बगिरहेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर समस्त सबै
सायद हामीहरू नजिकै आइपुगिसकेको छौँ है, फलको नजिकै आइपुगिसकेको छौँ। अलिकति बिस्तारै बिस्तारै हामी अब हिँड्नु यहाँ सिस्नु पनि छ। इट्स हेल्पी ह्यान्ड मुभमेन्ट भइरहेको छ है। हाम्रो प्रोफेसनल भाइ पनि आउनुहुन्छ है, उहाँकै आफ्नै सबै ब्लड पनि छ है, आइपुगिसक्नु भएको छ। हाम्रो गोली आज धेरै ट्र्याकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ है, उहाँहरू पनि आज हामीलाई साथ दिँदै डेरा फलको निरीक्षण गर्नको निम्ति उहाँहरू पनि साथ लिएर हुनुहुँदैछ। ठुलो मनोबल भएका एन्ड न्यु युट्युब ब्लगर पनि उहाँ हामी साथमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग एकछिन बात गरेछौँ भने, हेलो सर। हेलो, हाउ डु यु डु? आइ एम डुइङ गुड, व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज राहुल सिन्हा। ओके, उहाँ राहुल सिन्हा हुनुहुन्छ रहेछ। कहाँबाट हुनुहुन्छ सर? आई हेभ कम फ्रम सिलगढी। हिज कम फ्रम अवे फ्रम सिलगढी टु विजिट द डेरा फल्स। हाउ डु यु फिल, कैसे लग रहा है आपको? अमेजिंग, वेरी नाइस। या आई वुड लव टू कम अगेन विद माय फैमिली आल्सो। दैट्स वेरी गुड पॉजिटिव थॉट्स यू हैड, लाइक यू फील लाइक कमिंग अगेन विद योर फैमिली। वी रिक्वेस्ट यू, वी वेलकम यू टू द डेरा फॉल विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स आल्सो। व्हाट डिड यू फाइंड टुडे ऑन दिस टूर? Yeah, I have seen some nice flora, yeah, different plants, stinging nettles which stung me and yeah, some crabs also. Yes, sir. So I am enjoying the natural beauty. And that's what it's you know, my viewers, I just like to tell you, I would like to remind you that the place Gopathan Tar is full of natural beauties. There are lots of natural beauties to visit, so I request every viewers, once you please visit the Dera Fall, as well you visit the Gopathan Tar. Besides this Dera Fall, there are many lots of interesting place to visit in Gopathan Tar, so keep watching. Here pichadi hamro pachine hununcha hamro molomo homestay ko proprietor, Mr. Wongden, Molomo Homestay proprietor, Mr. Wongden. Wongden sathi, tapailai pani swagat cha. Dhanyabad tapailai pani. Hamro viewers lai ke bhandinus ta aajako yo dera ko visit ko barema? Ekdam exciting. Ekdam exciting hununcha, waha pachi pani hununcha, hamro dherai toli hununcha hai. Gopathan matra nabhayera Siliguri, Malbazar, Nagarkata bata pani aunu bhayeko cha hamro hamisanga aaja jodinuko nimti. Yaha hamro sar pani hununcha, waha ekdamai प्योर एक्टरको रूपमा उहाँ आउनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ चस्मा छ है, एकदम हेयर स्टाइल पनि गजबको छ। सो दिस इज अल अबाउट टुडेज भिजिट। अहिले भने हामी डेरा फलको धेरै नजिक आइपुगिसकेको छौँ है। बाटो भने अत्यन्त नै भिरालो छ है, तपाईँले देखिरहनु भएको छ मेरो स्किनमा, अति नै कठिन बाटो छ यहाँनिर।
धेरै कठिन बाटोको यात्रापछि सबैलाई स्वागत गर्दछ डेरा फल। वेलकम टु डेरा फल, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ डेरा फलमा। आजको यो दिनमा रमाइलो छ। दर्शकबिन, अहिले भने समय भएको छ हल्का भोजनको है। दिनभरिको लामो यात्रापछि, धेरै कठिन यात्रापछि अब समय भएको छ केही खाना पानी हिँड्ने समय। यसर्थ समस्त आजको टोलीहरू, आजको ट्र्याकर्सहरू वरिपरि बसेर एकछिन हल्का खाना खाने क्रममा जारी भइरहेछ। धेरै प्रकारको खानाहरू ल्याउनु भएको छ। हाम्रो मोनोनोमी होमस्टेको प्रोप्राइटर मिस्टर अङदेन साथीले केही हाम्रो ट्र्याकर्सहरूलाई भोजनको प्रबन्ध पनि गरिदिनु भएको छ। यहाँनिर हाम्रो बहिनी अति नै स्वादिष्ट रूपले खाना खान्छ धेरै लामो यात्रापछि। होमस्टेका प्रोप्राइटर अङ्गुल साथीले लाइट रिसर्चिङको प्रबन्ध पनि गर्नुभएको थियो। त्यस पश्चात अब फोटो सेसन फोटो लिने क्रममा साथै चाहन्छौँ है, पानीमा डुब्की लगाएको पनि हामी चाहन्छौँ। ओके भ्युअर्स, अभी हम हमारा आज ट्रेकिङ मेम्बर्स में से एक जो कि ग्रुप आउट ऑफ गुरुवथान टाउन से आए हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। तो स्वागत है सर आपको मेरे चैनल में। नमस्कार आपका यूट्यूब चैनल में सबको। और हम बोल रहे हैं ये जो प्लेस है ये है डेरा फॉल्स, और इतना अच्छा प्लेस है गुरुवथान में, एकदम हिडन है ये प्लेस। तो हम लोग माल बाजार से एक संस्था से आए ट्रेकिंग, हम लोग ट्रेकिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं माउंटेन टेकर्स फाउंडेशन बोल के। बहुत बहुत थैंक्स देना चाहते हो ये भैया को, क्योंकि ये भैया के साथ हम लोग कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे इतना दूर में आया। बहुत ऑब्स्टिकल था, बीच बीच में क्लाइंबिंग करना पड़ रहा था हम लोग को, और ऐसा ऐसा ट्रेल्स था कि वहाँ पे मतलब पूरा ऐसा एक पत्ता था कि वो लगने से हम लोग को जलन हो रहा था, तो उसको भी ओवरकम करके हमको आना पड़ा इधर पर। तो बहुत ही अच्छा प्लेस है, तो सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे ये प्लेस आप लोग ज़रूर आइए, बहुत अच्छा प्लेस है ये। अच्छा सर, आप माल बाजार से आए हैं, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है स्वरूप मित्रा। स्वरूप मित्रा जी माल बाजार से आए हैं, उन्होंने पहले कभी आए थे सर यहाँ पे? गुरुवथन का हर एक जगह में घुमा, मगर ये ऐसा एक प्लेस है कि यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आया। यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम आया कि ऐसे जगह है गुरुवथन टार, जो कि गुरुवथन टाउन से थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ से हम आधा रास्ते तक बाइक में आए, उसके बाद हम पैदल यात्रा आए, तकरीबन 5-6 किलोमीटर हम पैदल यात्रा आए। तो जब आप यात्रा में पैदल यात्रा आए, इस बार रास्ता काफ़ी कठिन था, तो आपको किस कैसे क्या महसूस हुआ कि जब रास्ता में कोई कठिनाई महसूस हुआ, या आपको परेशानी हुआ, या मज़ा आया? एक्चुअली ट्रेकिंग का रास्ता ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऑब्स्टिकल नहीं आएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, तो मेरे लिए तो बहुत मज़ा का था ये ट्रेक। सही कहा उन्होंने, सही कहा। मैंने भी बहुत ट्रैकिंग्स किए, ट्रैकिंग का रास्ता ही ऐसे होता है कि ना कि कोई हाईवे होता है, बस ऐसे पहाड़ पर्वत या खोला नाले, तो ऐसे जगह में ही ट्रैकिंग होता है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था, मौसम भी बहुत हमको साथ दिया, आज सुबह से ही धूप था, ना तो ज़्यादा धूप था ना तो मित्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें दर्शकों को क्या कोई और एक कोई संदेश देना चाहते हैं आप? हम इतना ही बोलेंगे कि आप लोग का जो लगन है, जो ये एक्सप्लोर करने का, तो हेड्स अप ये लगन को। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग सब आइए और यहाँ पे आके ये फॉल्स को आप लोग देखिए बस। थैंक यू सो मच सुंदर जी। ये थे हमारे ट्रैकिंग मेंबर्स का एक मेंबर थे जो कि माल बाजार से आए थे, उनसे उनके साथ बात हुआ। जो उन्होंने कहा
जो उन्होंने वर्णन किया इस बार के राजू की रास्ते के बारे में बात किया, उन्होंने यहाँ का डेरा फॉल की जो ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात किया, जो एक नेचुरल ब्यूटी है उनके बारे में बात की, तो काफ़ी एक रोमांचक चीज़ है। चीज़ें आप, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शक से यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी आइए यहाँ पे, ग्रुप अपने दोस्तों से परिवार के साथ आइए। हालांकि रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन जब आप इस डेरा फॉल की सामने पहुँचते तो वहाँ पर आपका जितना भी परेशानी वो पूरे आप भूल जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ के एक दृश्य है, जो मनोरम दृश्य है, वो देखने के बाद आपके जितना भी कठिनाई है, थकावट पूरा दूर हो जाता है। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों से कि आप आइए और अपने दोस्तों से मतमेल के यहाँ पे आके आप पिकनिक कर सकते हैं, खा सकते हैं। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ मेरे दर्शकों की, हालांकि अभी फॉल में थोड़ा पानी कम है, लेकिन यहाँ पे ये जितने भी दर्शक आए, जितने भी मेम्बर्स आए आज ट्रैकिंग के लिए, उन्होंने जो अपना एक व्यूज़ शेयर किया हमारे साथ में, वो काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़। मेल मेंबर्स के अलावा हमारे साथ में आज ट्रैकिंग के लिए फीमेल मेंबर्स भी हमारे साथ आए हैं, वह भी मालपुजा से वहाँ से बात करेंगे। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, ये हैं हमारे मालपुजा से आई ही मैम, जो उनके साथ में बात करेंगे कुछ। देखिए, ट्रैकिंग ओनली नॉट फॉर द मेल्स बट इट ऑल्सो फॉर द फीमेल। मैम आए हैं हमारे साथ में, तो मैम स्वागत है मेरा आपको मेरे चैनल में। हमें रिंकी राय, हमें मालपुजा से एस এই ট্র্যাকিংটা করে আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমরা সবাই আসবে এখানে, খুব এনজয় করছি আমরা সবাই মিলে, তোমরা সবাই আসবে, খুব এনজয় করবে, খুব ভালো জায়গা, খুব রাস্তাটা খুব কঠিন তবুও খুব ভালো, খুব সুন্দর জায়গা, দেখে খুব ভালো লাগছে আমাদের সবাই, তোমরা সবাই আসবে এখানে। ও থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখিয়ে ইনোনে কাফি ম্যাম নে কাফি পজিটিভ রেসপন্স দিয়া, কিন্তু হালাঙ্কি রাস্তা কাফি কঠিন হেকিন অ্যাডভেঞ্চারিয়াস জরুর হ্যাঁ। তো দিস ইজ অল অবাউট দ্য ডেরা ফেল, সো প্লিজ স্টে কানেক্টেড অ্যান্ড আই ওয়েস এভরি ওয়ান আ ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড আ সেফ ডে। থ্যাংক ইউ। एकदिनको हाइकिङ प्रोग्रामलाई सक्सेस बनाउनुमा माल बजार ट्रेकिङ फाउन्डेसन है माउन्टेन ट्रेकर्स फाउन्डेसनको ठुलो हात छ र तपाईँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको अनुभवबारे, आजको यो हाम्रो कार्यक्रममा सिकाउन अगाडि म हाम्रो भाइ सौरभ जो हिजो अस्तिदेखि मसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ है, उहाँले दुई शब्द आजको अनुभवबारे बताए बापत हामी आजको यो ट्रेकिङलाई यहाँ नै सकिएको घोषणा गर्नेछौँ। अनि त्यसको नै दुई शब्द ल। सबको नमस्कार। ये गांव में आकर बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को, हम लोग मालपुरा से आए, हम लोग कैंप ऐसे करते हैं, ट्रेकिंग भी करते, तो आशा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर से आप लोग के साथ और एक ट्रेकिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई जस्ट वांट टू थैंक माय फेवरेट ट्रैकिंग माउंटेन ट्रैकर्स, जसले चाहिँ हामीलाई यो जुन चाहिँ हाम्रो कार्य थियो, यो जुन चाहिँ हामीले आजको इभेन्ट थियो त्यसलाई सक्सेस पुऱ्याउनुमा तपाईँहरूले धेरै मद्दत गर्नुभयो। र स्पेसल्ली आई जस्ट वान्ट टु थ्याङ्क हाम्रो युट्युबर दाहरू है, जसले कभर गरिदिनु भयो दुवैजनालाई, बिग राउन्ड अप्लोज गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, किनभने उहाँहरूको जुन चाहिँ कोअपरेसन गऱ्यौँ त्यसको निम्ति हामी सबैजना नै कङ्ग्रेचुलेट इच अदर होइन, कङ्ग्रेचुलेट हामीलाई आफूलाई। र अनि तपाईँहरूले युट्युबमा पनि तपाईँहरूले मलाई पाउन सक्नुहुन्छ, स्पेसल्ली गोरुबथान चारको फर्स्ट युट्युबर मैले हो होइन, अन्त त्यो तपाईँहरूले त्यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा पनि मेरो लिङ्क छ प्रदर्शन ब्लग भनेर, तपाईँहरूले पेज पनि पाउन सक्नुहुन्छ, अथवा मलाई म सिधै डाइरेक्ट तपाईँहरूले फेसबुकमा पनि प्रदर्शन राई क्रान्ति राई चाहिँ, अन्त यति नै भन्न चाहन्छु है। फेरि वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर कमिङ एन्ड मेकिङ दिस इभेन्ट अ सक्सेसफुल। एक्काइस नोभेम्बर 2020 जिन्दगीको यात्रामा एउटा मिठो पल, डेरा फलको यात्रा सधैँभरि नै यो छातीभित्र छापिएर बसिरहनेछ। 21 नोभेम्बर 2020 जिन्दगीका एक बहुत खुबसुरत पल, डेरा फलकी भिजिट एक जिन्दगीमै यादगार। अन्त म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा मोलोलोमी होमस्टेका प्रोपाइटर औङदेन साथी अनि प्रदर्शन ब्लगका भाइ प्रदर्शन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।